मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूं, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या, क्यों जाने दिया लोगों ने को? इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े, सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। नमस्कार, आज की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश हाथरस में पिछले दिनों एक बाबा अपना कोई सांस्कृतिक आध्यात्मिक या जो भी कार्यक्रम करे और उसमें भगदड़ मच जाए। अनाधिकृत रूप से तो कह रहे हैं लोग कि कई मृतकों की तादाद बहुत ज्यादा है, सरकारी आंकड़े लगभग 120-121 इसके आसपास थे। सरकार FIR करके कुछ लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, सरकारी अस्पतालों में कुछ लोग भेज दिए गए हैं जहां उनका इलाज चल रहा है और जिनके लिए भी खबरें चली कि वहां न ऑक्सीजन है और न डॉक्टर हैं क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है। और मौका देख करके मैं इन चीजों पर एकाध मिनट आपका अतिरिक्त ले लेता हूं। कोविड आया तब भी सरकारी अस्पताल याद आए लोगों के, जब कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तब भी सरकारी अस्पताल में ही लोग दौड़ के जाते हैं। गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग दौड़ के सरकारी अस्पताल जाते हैं और जब ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तभी खबर बन पाती है कि उन सरकारी अस्पतालों में हालात कितने बुरे हैं। जो सरकारी अस्पताल इस देश के गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस, बीमार लोगों के लिए एकमात्र सहारा है, न डॉक्टर, न दवाएं, न वहां कोई सुविधा, लेकिन सरकारों की चिंता अस्पताल बनाना नहीं है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति के मूल विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है, धर्म और अर्म है। पता नहीं आप भी इस पर जब वोट नहीं देते तो आपको मिलेगा क्यों, जब आपको भी लगता है कि सबसे जरूरी भी सवाल तो धर्म और अर्म का है। तो जिसकी जेब में पैसा है उसे अच्छा इलाज मिलता है, जिसकी जेब में पैसा है उसे अच्छा शिक्षा मिलती है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं उसको ये सब नहीं मिलेगा, फिर वो अपनी किस्मत को मान लेगा कि ये सब हो रहा है तो उसके लिए वही दोषी है। लेकिन आज एक संवेदनशील राजनीतिक कदम भी उठाया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अस्पताल वाले सवाल को उठाया भी, सरकार के ऊपर गहरे सवाल भी खड़े किए कि सरकार की जिम्मेदारी होती है या तो आप अनुमति न दें, अगर अनुमति दे रहे हैं तो उसका इंतजाम रखें और थोड़ा नजर रखें कि अगर हालात बिगड़ने दिख रहे हैं तो उनको भी कैसे नियंत्रित किया जाए। पीड़ितों के दर्द, दुख, तकलीफें, उनके आंसू को पोंछने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी आज सुबह तड़के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ही अपने दिल्ली के घर से निकल गए, पहुंच गए हाथरस के उस भगदड़ की दुर्घटना में, हादसे में मारे गए अलीगढ़ के कुछ लोगों के घर पहुंच गए, फिर उसके बाद हाथरस भी गए, लोगों से मिले, लोगों से मिल करके उनका हालचाल पूछा। ये एक नेता जो विपक्ष में बैठा हो उसकी ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो कैसे आम लोगों के दुख दर्द को पढ़ने समझने की कोशिश करता है। एक नेता ये कोशिश करता है कि कैसे वो इन बातों को लोगों से जोड़ करके देखे कि वो आंसू जब बहेगा तो उसे पोंछने के लिए वो नेता खड़ा मिलेगा। इस देश में बहुत तरह की राजनीति होती है,
और उस राजनीति के केंद्र में यह विषय नहीं आता जो राहुल गांधी अपने जेस्चर से पेश करना चाहते। राजनीति तो सब कर रहे हैं ना, कोई क्रिकेटर से मिल रहा है। भारत देश की एक क्रिकेट टीम, कई खेल खेलता है भारत। कुछ दिन पहले जब पहलवान लड़कियां जो गोल्ड मेडल प्राप्त थी, देश का नाम वो भी रोशन की थी, वो लड़ रही थी अपने सम्मान के लिए, तो लाठियां पा रही थी, उनको बदनाम किया जा रहा था, खेल छोड़ दिया। इस देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती, उसके स्पॉन्सर्ड नहीं आते। कई बार खेलों के लिए वो खबरें भी चलती हैं कि वो ट्रॉफी जीत कर आए और रिसीव करने के लिए बस नहीं मिली। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री बैठे हुए मिलने जाते हैं लोग घर उनके। दो आदमी का चेहरा बार बार दिख रहा था, जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, बायोलॉजिकल बेटे हैं अमित शाह जी के, जो अपने क्रिकेट के मेहनत के दम पर बहुत पसीना बहाया क्रिकेट के मैदान पर। बचपन में छोटे थे अमित शाह के बेटे जय शाह, तभी अमित शाह जी ने तय कर लिया था कि अपने बच्चे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनवाएंगे, और बहुत मेहनत की, बहुत क्रिकेट खेला, बहुत कुछ किया, और वहां से मेहनत के दम पर बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए, तो ट्रॉफी के साथ वो भी नजर आए। जैसे एक आदमी और है जो हर जगह नजर आता है, वो राजीव शुक्ला, वो हर जगह मतलब इस तरह से नजर आएगा। मुंबई में हजारों लोग हाथरस के भगदड़ के ठीक चंद दिनों बाद, देश के एक कोने में लगभग 125 लोगों के आधिकारिक रूप से मारे जाने के आंकड़े आ रहे हो, और ठीक उसी समय देश का दूसरा कोना आधिकारिक रूप से हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा होता है। देखिए, जश्न खेल जिंदगी के हिस्से हैं। आप कभी खुश होते हैं तो सिनेमा देखते हैं, गाने सुनते हैं, हमेशा रोते नहीं हैं और रोते भी नहीं रहना चाहिए, बहुत स्वाभाविक है। नेताओं को सुनने हजारों लोगों की भीड़ जाती है, भीड़ तो कहीं भी जा सकती है। हमारे पूर्वांचल के इलाके में जेसीबी जब सड़क की खुदाई करे तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी होकर मशीन को देखती है कि चक्का इससे बैग गियर लग रहा है, कितना गहरा खोद रहा है, पूरा दिन काम छोड़ करके लोग देखते हैं, भीड़ है। भीड़ का विवेक नहीं होता। तो क्रिकेट एक खेल है, उसे खेल की तरह लेना चाहिए। लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे अमीर संस्थाओं में से खेल की बीसीसीआई है, और उसका चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह। और वो जब ये खेल जीत कर आते हैं लोग, तो कितना बड़ा टेलीविजन पर हंगामा होता है, और उसके बाद ध्यान आपका भटक जाएगा, आपको पेपर लीक भूल जाएंगे, नीट के पीजी के एग्जाम के लिए फिर से एक शेड्यूल आ गया कि 11 अगस्त के आसपास फिर से परीक्षा होगी। कोई ठोस कार्रवाई हुई क्या? क्या वो वाला नीट का पेपर लीक जो हुआ था वो रद्द हुआ क्या? क्या यूजीसी नेट का पेपर जो रद्द हुआ उसकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित हुई क्या? क्या इस देश में जितनी वैकेंसी आनी चाहिए उतनी वैकेंसी नहीं आ रही है तो कोई जवाबदेही सुनिश्चित हुई क्या? क्या इस देश में अगर ILO के आंकड़े बताते हैं कि 100 में 83 बेरोजगार युवा शिक्षित हैं, युवा हैं 100 बेरोजगारों में से 83, तो कोई चिंतित हुआ क्या? लेकिन भारत विश्व कप जीत गया है, इसकी बधाई मैं भी आपको देता हूं। एक फिल्म की छोटी सी क्लिप है, जरूर आपको देखना चाहिए। वो एक आदमी अखबार पढ़ते हुए देख रहा होता है और बाकी लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं, और ये बहुत पुरानी फिल्म है। विवेक साहित्य से, संस्कृति से, कलाओं से विवेक बनाने की कोशिश एक सभ्य और जागरूक समाज करता है। जितना ज्ञान होगा, विवेक होगा, सजगता होगी, उतना ही आप सही और गलत का फर्क कर पाएंगे। उसके लिए फिर किसी बाबा के प्रवचन में जाने की जरूरत
नहीं होगी अपना जान जोखिम में डाल करके और अपना धन बाबा के यहां चंदा दे करके। लेकिन इस देश में चूंकि शिक्षा पर काम सरकार कर नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेपर लीक रोक नहीं पा रही, घर में कोई बीमार है, कोई बेबस है, कोई लाचार है, खाने को है नहीं, दुख चारों तरफ से है, सरकार को लेकर के कोई सजगता उनमें बनाई नहीं गई कि ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्म से नहीं है, व्यवस्थागत खामी है, यह विवेक जनता को दिया नहीं गया, शिक्षा पहुंची नहीं, तो बाबाओं का सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री होगा तो टेलीविजन पर चलेगा, बड़े बड़े लोग उसके भक्त बनेंगे, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग भी, बड़े बड़े नेता जिन बाबाओं के यहां गए उनमें से बहुत सारे बाबा जेल में। ये खेल है ध्यान भटकाने का। इसलिए दोषी वो गरीब कमजोर बेबस लाचार आदमी ही नहीं है, वो तो जान चली गई उसकी, सत्ता और व्यवस्था कैसे क्रिकेट दिखा रही है इसको विचार जरा आपको भी करना होगा। एक हाथ बधाई दे दीजिए, खेल है, खेल होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वही केंद्र में हो जाए प्रोपेगेंडा के, तो याद रखिएगा उस फिल्म का दृश्य, देश को बर्बाद होते मत देखना, क्रिकेट का स्कोर जरूर देखना। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। देखो देखो खूब क्रिकेट देखो देखो, मगर ये याद रखना कि तुम सब जहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे, याद रखना। और जय शाह की सैलरी पता कर लेना, उसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, उसकी अंग्रेजी सुनी कि नहीं, जय शाह की, जय शाह की अंग्रेजी बहुत, चूंकि बहुत कैम्ब्रिज ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोग पीएचडी इस बात पर कर रहे हैं कि कैसे कोई जय शाह बनता है, बीसीसीआई का चेयरमैन, इतना प्रकांड अंग्रेजी का विद्वान, चलता है तो जैसे लगता है कि धरती पर कोई नॉन बायोलॉजिकल कोई अवतार चल रहा है। लेकिन आपका बेटा जय शाह की तरह नहीं होगा, उसके लिए कोई कांवड़ यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा, कोई दंगा, कोई भीड़, कोई कुछ भी तैयार किया जा रहा है। क्रिकेट, आपका बच्चा अगर स्कूल में अच्छे नहीं पढ़ रहा है, अच्छे हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं मिल रहा है, तो अपने बारे में कब सोचोगे आप? क्रिकेट का स्कोर तो दुनिया देख, और सबसे अमीर संस्था है बीसीसीआई, याद रखिएगा, करोड़ों करोड़ रुपए का वारे न्यारे होते हैं, और हाथरस में 125 लोग वो मारे गए जिनके पास रहने को ठीक से घर नहीं, घर में परेशानी, बीमारी, बदहाली, बेबसी, लाचारी है, तो वो किसी बाबा के शरण में जाकर के अपना दुख दूर करना चाहते हैं और बाबाओं के पाखंड और अंधविश्वास के शिकार बनते, क्योंकि कबीर जैसा आप कोई संत इस धरती पर नहीं है, कोई रविदास नहीं है, कोई गुरु नानक नहीं है, जो असल में संत ऋषि मुनि हुआ करते थे, पाखंड का बोलबाला हो गया। कबीर कलजुग कठिन है साधन चीन है कोय, और कामी क्रोधि मस्खरा तिनका आदर हो। तो इस परिवेश में नेताओं की भूमिका यह होती है कि अपने समय, अपनी राजनीति, अपने समाज को सजग जागरूक करिए। तो राहुल गांधी आंसू पोंछने के लिए गए और ये एक बड़ा कदम है, अच्छा कदम है। अखिलेश यादव सवाल उठाए कि हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल में दवाई क्यों नहीं, नया हॉस्पिटल बनाए क्यों नहीं, और सपा सरकार में जितने हॉस्पिटल बने उनका क्या हो रहा है। ये चिंता सरोकारी नेताओं की होती है जो अखिलेश और राहुल में दिख रही है, और खासकर राहुल आज पहुंच गए उनके घर जिन लोगों ने अपने घर के लोगों को खोया है। और इसलिए हाथरस के शिकार लोग वो एक सहारा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, इन घटनाओं को देखकर सुनकर किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं आप? फाइनल कंक्लूजन आपका क्या होता है? आपकी नजर में दोषी कौन है? आपकी नजर में बुनियादी समस्या कहां है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ये सोचते हैं कि बुनियादी समस्या आप खुद हैं? नहीं, व्यवस्था में, सत्ता में, राजनीति में, साजिश में। और इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो दोष कोई नहीं या दोषी आप खुद अपने आप को मानेंगे। विचार करिएगा ठहर करके और देखिएगा कि नेता कैसे सहृदय होना चाहिए जो आपके हाथ पर हाथ रखे तो अपनापन महसूस हो। मनुष्य हो, बायोलॉजिकल मनुष्य हो, संवेदनशील मनुष्य हो, केवल कैमरे पर आंसू ना आए, अपनों के बीच जाकर अपनों की तरह से अपना बन जाए, राजनीति में इन चीजों की दरकार है। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।